याद रहो। यस यस, एम आई ऑडिबल नाउ? या यस। हाँ, तो मॉक्विटा के बारे में आपको सेशन देने वाला हो, तो अगर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर अगर लैपटॉप पे हो तो एक टैब खोल के आप साइड बाय साइड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं, प्रॉब्लम समझ सकते हैं। ठीक है, तो कपिल कुछ ऐड करना है? सेशन शुरू होने से पहले आपको कुछ ऐड करना है क्या? नहीं, कंटिन्यू। हाँ, एक बात बता देता हूँ, सब लोगों ने मोबाइल या फिर लैपटॉप से, किसी ने कंप्यूटर से कनेक्ट किया होगा। ये फुल ऑन वन वे कम्युनिकेशन वाला सेशन है, शायद सब लोग म्यूट पे है, सो मे बी कुछ लोग इंटरेस्ट ना भी ले, बट कोडविटा या फिर कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जो कुछ चीजें है वो आप, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि कोडविटा इज नॉट फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, सो आई एम नॉट अटेंड, आई विल नॉट पे एनी काइंड ऑफ अटेंशन इन दिस सेशन, सो ये बात छोड़ दो, अटेंशन दो, जो है आपको यही से मिलेगा सब कुछ। एवरीथिंग इज प्रोग्रामिंग, अगर आप आईटी में जाते हो तो कोडविटा नहीं भी देना है फिर भी पता कर लो, अगर कोडविटा का ही सेशन है मतलब कोडविटा के ही क्वेश्चन आंसर होंगे, ऐसा नहीं है। आई थिंक लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसमें हम लोग बात करेंगे ही, लिख दी, बस ध्यान दिया करो बस। चलो कंटिन्यू। हाँ, आई थिंक बीच में भी सवाल कर सकते हैं, कुछ भी अगर रहा तो, या फिर मैं आपको सवाल करूंगा, चलेगा ना सर? हेलो, ओके। देन मैं आपको डायरेक्टली सीधा लॉग इन करके बताता हूँ कि वो लॉग इन करने के बाद एक क्रेडेंशियल है मेरे पास, तो उससे लॉग इन करता हूँ, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको सचिन सर, सचिन सर इज ऑन म्यूट। हाँ, त्रिलोक, हाँ त्रिलोक, कैन यू प्लीज रिमूव दिस दैट अननोटेशन पेंसिल्स पेंसिल व्हिच वन? ओके दोस ओके, लाइक एनोटेशन, एनोटेशन ना, हाँ या हाँ या जस्ट जस्ट अ मिनट। Wait, I will do that. Okay, fine. Look, I think you have that access. Even you can disable that annotation. Check, there is a more button is there, na? So Yes, click yes. over there and disable participant annotation button. Take your time, but first disable, because there are some rascal students are there. Nonsense, hopeless, whatever you call, they will not get a job. Even I announced in the meeting. ओके, हो गया सर। तो ओके, यू कंटिन्यू। तो आपको ये क्रेडेंशियल्स टीसीएस के पेज से मिल जाएंगे, मतलब आप जहाँ पे लॉग इन करते हैं कैंपस में पे, तो वहाँ से आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएंगे, तो वहाँ से लेके आप लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन करने के बाद आपको गाइडलाइंस का पेज आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे वो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि क्या क्या करना है, कौन कौन से कॉम्पेटिबल ब्राउजर्स है, मतलब कॉमन होता है ये सब। तो फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो आपकी बैच शायद 2021 या फिर 2022 वगैरह जो भी है, तो वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, आप कौन से कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि जावा या फिर पाइथन 3 ही यूज करना है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया होता है मोस्टली।
ओके सॉरी, हाँ नॉइस था। तो जावा या फिर पाइथन या फिर आपको जो भी लैंग्वेज लगे वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद जोन इंफॉर्मेशन, मतलब आप कौन से जोन में हो, इंडिया या फिर कुछ अलग ग्लोबल जोन में आते हो, तो ये इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको कोडिंग एरिया दिखता है, तो यहाँ पे आपको कोड्स दिखाई देंगे कि 6 कोड्स दिए होते हैं। तो ये आप यहाँ पे प्रॉब्लम रीड कर सकते हैं, जैसे कि व्यू फुल प्रॉब्लम एंड देन यू कैन रीड ऑल प्रॉब्लम एंड देन इन इनपुट फॉर्मेट आउटपुट एंड देन कंस्ट्रेंट्स, तो ये सारा यहाँ पे दिया होता है। तो मोस्टली होता क्या है कि स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है, मतलब ये पेज कभी ओपन ही नहीं करते हैं। इसके लिए उनके उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है कि हम कर पाएंगे या फिर नहीं। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले वो देखे तो सही कि आसान है या सिंपल। तो आप पहले जब लॉग इन करते हैं तो सीधा सारे प्रॉब्लम्स जो भी है तो वो सारे देख लेना चाहिए, व्यू फुल प्रॉब्लम। एंड देन पहले 15 मिनट या फिर 20 मिनट, आप जितना चाहो उतना, आधा घंटा ले लो तो वो सारा आप ले सकते हो। और उसमें से आधे घंटे में ये फाइंड आउट करना है आपको कि सिंपल प्रॉब्लम कौन सा है। ओके जैसे कि मैंने आई थिंक यही है, पहला वाला ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इतना बड़ा भी दिख रहा है तो भी होता नहीं है एक्चुअली। आपका जो लॉजिक वो शायद आपने चेंज किया तो आपको अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं। तो आप मोस्टली ये देखना कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या आएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं समझ रहे तो फिर डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन में जाओ। यहाँ पे इनपुट क्या है, वन लाइन यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि फर्स्ट लाइन कंटेंस इंटीजर n, ओके एंड विच डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स, मतलब कुछ तो दिया होगा। उसके बाद सेकेंड लाइन टेन में लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे और वो कुछ तो भी डिफाइन करेंगे, मतलब फर्स्ट में इंटीजर होगा, दूसरे में लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे, ये आपको पता चल गया। तो इसका इनपुट कैसे लेना है वो सोचने के बारे में चालू कर दो, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर इनपुट ले लिया तो उसको प्रोसेस कैसे करना है। पहले तो हम आई थिंक प्रॉब्लम ही समझ लेते हैं, वो बेटर होगा, और फिर सॉल्व कर लेंगे। आइडिया है, एडिटर है, उसमें हम सॉल्व करेंगे। इक्लिप्स या फिर इंटेलिजे या फिर नेटबीन्स, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। और वहाँ का कोड कॉपी करके यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन एडिटर में कोड डाल के रन कर सकते हैं। ओके तो प्रॉब्लम इज अ सेरेमनी वेयर अ ब्राइड चूज हर ग्रूम फ्रॉम एन एरे ऑफ एलिजिबल बैचलर्स इज कॉल्ड स्वयंवर, बट दिस इज स्वयंवर विद अ डिफरेंस, एरे ऑफ ब्राइड विल चूज फ्रॉम एरे ऑफ ग्रूम टू बी। ओके मतलब ये स्वयंवर टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पे एरे ऑफ एलिजिबल बैचलर्स होंगे स्वयंवर के लिए, और ब्राइड्स और ग्रूम्स ये चॉइस करें, चॉइस करना है मतलब आपको कपल्स चॉइस करना है। मोर परफेक्टली मतलब जोड़ी फाइंड आउट करनी है कौन से बेस्ट होंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ स्वयंवर इज एज फॉलो, ब्राइड्स टू बी आर ऑर्गेनाइज सच दैट मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स बैचलरेट will get first chance to choose her groom. Only then the next eligible bachelorette will get a chance to choose her groom. Okay. Then यहाँ पे ऐसा है कि ब्राइड्स ग्रूम्स को चॉइस करेंगे और जो मोस्ट एलिजिबल होगा वो पहले चॉइस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है तो वो देखेंगे।
if the initial most eligible bachelorette does not get a room of her choice. ओके तो ये प्रॉब्लम अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है या फिर सिंपल भी है जो भी आपको लगे तो डायरेक्टली इस कंस्ट्रेंट्स पे जाना है एन एंड एन मींस द फर्स्ट लाइन कंटेन्स द इंटीजर एन विच डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स टेकिंग पार्ट इन द स्वयंवर तो इक्वल नंबर ऑफ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स होंगे Second line contains a string in lower case of length n containing initial state of brides to be. Third line contains a string in lower case of length n containing the initial state of groom to be. Each string contains only lower case r and m starting person at that index drinks rum or mojito. R for rum and m for mojito. Then explanation कैसा है अगर चार कपल्स है और पहली ब्राइड अगर रम लेते हैं तो उसको रम लेने वाला ही ग्रूम चॉइस करना है ओके हाँ ब्राइड को रम लेने वाली ब्राइड को रम लेने वाला ग्रूम ही चॉइस करना है तो एक्सप्लेनेशन कैसा है कि द ब्राइड एट द फर्स्ट प्लेस विल ओनली मैरी ग्रूम हु ड्रिंक्स रम सो द ग्रूम एट द फर्स्ट प्लेस विल जॉइन द एंड ऑफ द क्यू अपडेट ग्रूम्स क्यू इज आर्यम आर्यम नाउ द ब्राइड एट फर्स्ट प्लेस विल मैरी द ग्रूम एट द फर्स्ट प्लेस क्योंकि ये ब्राइड और ये रम अगर मैच होते हैं तो फिर ये जोड़ी इलिमिनेट हो जाएगी और फिर जो तीन बचेंगे फिर उसमें कंपटीशन होगा उसमें स्वयंवर होगा फिर सेकंड ब्राइड जो रम लेती है तो वो यम यम आर तो ऐसे चॉइस करेंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आपको बता देता हूँ Solution one. Okay. तो यहाँ पे इनपुट है इंटीजर तो आपको लेना है तो अगर आप इंटेलिजेंट में है या फिर इक्लिप्स में है तो यहाँ पे आपको अल्टर इंटरवल ऐसे करके इंपोर्ट कर सकते हैं एक बात ध्यान रखना है कि क्लास जो भी लिखते हैं तो ये सारा एक ही फाइल में होना चाहिए ना कि अलग अलग फाइल में ओके तो अगर इंटीजर लेना है तो इंटीजर n इक्वल्स टू स्टार्ट नेक्स्ट लाइन मतलब स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो इसलिए हम इंटीजर डॉट पार्सिंट ऐसे कर सकते हैं ओके हाँ अंकित काकड़े आई थिंक यू कैन म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ कुछ पूछना है स्क्रीन नॉट विजिबल स्क्रीन नॉट फ्रॉम चेतन महाजन
यू आर इन नेटवर्क राइट चलो यस बाकी लोगों को भी स्क्रीन विजिबल है डू एनीवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यस सेम स्क्रीन नॉट विजिबल या विजिबल है विजिबल या विजिबल या ओके ओके थैंक्स थैंक यू चेतन प्लीज चेक योर नेटवर्क ओके देन आपको कंटिन्यू यन इंटीजर आपको स्कैन करना है उसके बारे में एक इनपुट होगा जो कि स्ट्रिंग होगा और एक्चुअली वो दो स्ट्रिंग है तो आप जो चाहे वो लॉजिक लगा सकते हैं मैं मेरा लॉजिक लगाता हूँ स्ट्रिंग ग्रूम्स एंड राइट इसको स्टार्ट नेक्स्ट टाइम ओके तो ये आपको ये पूरी लाइन कॉपी कर देगा और उसके बाद हम स्प्लिट कर सकते हैं उसको स्प्लिट कर सकते हैं स्पेस से मतलब यहाँ पे जो स्पेस है उससे स्प्लिट कर सकते हैं तो फिर आपको दो स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे एरे में तो स्ट्रिंग ग्रूम इक्वल्स टू ब्राइड इक्वल्स टू जीपी ऑफ जीरो ओके तो आपको REMM पहले इसमें मिल जाएगा और स्ट्रिंग ग्रूम इक्वल्स टू जीपी वन ये दूसरे इसमें मिल जाएगा तो आप लॉजिक ये लगाओ कि इनपुट कैसे लेना है तो ये होने के बाद आप डायरेक्टली सीधा प्रिंट कर सकते कि यन क्या है ब्राइड क्या है और ग्रूम ओके तो रन करके देखना है कि एक्चुअली हो रहा है या नहीं तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं IntelliJ या फिर ये आइडिया IntelliJ आइडिया या फिर इक्लिप्स NetBeans कुछ भी या फिर डायरेक्टली नोटपैड में टाइप करके रन कर सकते हैं कमांड लाइन से फर्स्ट इनपुट इज 4 सेकेंड इनपुट इज लोअर के स्ट्रिंग तो यहाँ पे आ गया n इक्वल्स टू 4 एंड देन ब्राइड एंड ग्रूम तो ये आपका सही चल रहा है अभी तक तो अब आपको क्या करना है कि ब्राइड और ग्रूम की पेयर फाइंड आउट करना है तो अगर ब्राइड रम लेती है तो ग्रूम ग्रूम में से फर्स्ट से फाइंड आउट करेगा और दूसरा जो इलिजिबल है उसको चॉइस करेंगे ठीक है तो उसके लिए लॉजिक को फॉर लूप लगा सकते हैं या फिर कुछ भी फॉर बेटर होगा कि जब तक लेंथ खत्म ना हो तब तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं ब्राइट डॉट लेंथ
is not equals to zero. तो आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाने हैं, तो हार इन सब को चेक करेंगे कोई एलिजिबल है या नहीं, ठीक है, और कितनी बार चेक करेंगे जब तक ये खत्म नहीं होते, ठीक है। तो फिर ये लूप इसके लिए है, जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक ये लूप चलाना है, फिर हर एक के लिए एलिजिबल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, फिर से वाइल ग्रूम, ग्रूम को चेक करना है, तो फिर ग्रूम डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ त्रिलोक के ना हम एक कर सकते हैं काम। हाँ ये लोग तो अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि मॉब ज्यादा है, राइट। हाँ तो हम लोग पैराफ्रेजिंग करते हैं, मतलब मैं एक आपको क्वेश्चंस करता हूँ उनके पर्सपेक्टिव से और आप आंसर कीजिए, मतलब थोड़े बहुत अगर क्वेश्चंस अब भी क्लियर हो जाए तो फिर बाद में ज्यादा नहीं रहते। हाँ ठीक है, या फिर कपिल they can ask question through chat box, so chat box is available to them and so you will get the question through the chat box, so ask them to post question through chat box. So if anyone wants to raise any kind of question regarding this, if anything not understand or flow is going something outwards, any regarding logic or something, you can just post your questions in the chat box. Yep. Okay, tell, continue. तो ब्राइड है तो हर एक ग्रूम के लिए ग्रूम के पास जाएगी और चेक करेंगे थोड़ी यस इट कैन बी ओके चलो आंसर हाँ रिजेक्स यू इसके लिए यूज करते हैं कि काम आसान हो जाए या फिर और स्प्लिट में अगर रिजेक्स यूज करते हैं या फिर कुछ भी रिमूव ऑल अगर यूज करते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी पैटर्न फाइंड आउट होता है, रिजेक्स मतलब एक प्रकार का पैटर्न होता है, अगर वैसा पैटर्न अगर दिखता है तो वो रिटर्न करते हैं। अगर मान लो कि स्प्लिट में यूज करे तो ऐसा अगर पैटर्न दिखा, मतलब स्पेस अगर दिखा तो जो भी स्पेस है जैसे कि यहाँ पे स्पेस है तो ये रिप्लेस कर देगा और दो स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा, यहाँ पे अगर कुछ अलग स्पेस है तो तीन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर रिप्लेस में यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन है तो ये रिप्लेस ऑल में रिजेक्स यूज करते हैं, तो रिजेक्स मतलब अगर स्पेस है तो अगर ऐसा पैटर्न मिला तो किस स्ट्रिंग से आपको रिप्लेस करना है, जैसे कि ए बी सी डी जो भी आपको लगे तो ऐसे रिटर्न कर सकता है, तो ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं एरर गया लाइक दैट। Got it? So, त्रिलोक के नाथ क्या हम बोल सकते हैं कि regex का common use, जैसे कि अगर regex use नहीं करना है, regular expression, so उसके जगह पे हम लोग string functions use कर सकते हैं ना, substring वगैरह। हाँ हाँ substring use कर सकते हैं। So basically अगर कोई string split करना है या फिर किसी को divide करना है, comma से हो, hyphen से हो, dot वगैरह, any special characters या किसी भी characters से, तो सबस्ट्रिंग या फिर कोई और स्ट्रिंग फंक्शन यूज करने से एक
अलग मेथड भी होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे हम लोग रेगेक्स बुलाते हैं, उसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, टू डिफरेंशिएट डिजिट्स, टू डिफरेंशिएट कैरेक्टर्स। अगर आप गूगल पे जाके रेगेक्स पैटर्न सर्च करोगे तो आई थिंक सो मिल जाएगा। हमारे सिलेबस में भी है फॉर्मेट ऑटोमेटा करके, वहां पे रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ, देख सकते हो। या चलो कंटिन्यू। तो क्लियर हुआ चेतन? चेतन माली इफ इट इज वर्किंग यू कैन डू इट। हाँ, सी लैंग्वेज में कैसा होता है कि स्ट्रिंग मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टर पर कैरेक्टर रीड करके जब तक आपको स्पेस नहीं मिलता तब तक ये रीड करते रहो, और फिर ये वो एक स्ट्रिंग कंसिडर करके अलग वेरिएबल में स्टोर करो और दूसरा अलग वेरिएबल में, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? Programming can be done using thousands of ways. Yeah. You can use any of the way which will be beneficial. Optimized code होना चाहिए, इसीलिए फिर हम लोग अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन algorithm वगैरह यूज करते हैं। Yeah, thanks Chetan for the question. Yeah. Then next. आपको लूप्स लगाने हैं, तो फिर लूप तो लगा लिए, अब क्या करना है कि ये पहला कैरेक्टर और ये कैरेक्टर मैच हो रहा है या फिर नहीं, तो ये चेक करना है। तो आपको सिर्फ थोड़ा फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग्स के जो भी फंक्शंस है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे स्प्लिट यूज़ किया है, तो ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, या फिर अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे कि ब्राइट डॉट लेंथ कैर कंटेंट्स, ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस है, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन सारे फंक्शंस को। और ये अगर ये इंटेलिजेंस या फिर आइडिया में सॉरी इक्लिप्स में वगैरह अगर कुछ यूज कर करते हैं तो फिर बेहतरीन होगा आपकी प्रोग्रामिंग फास्ट करने के लिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ब्राइड एट जीरो स्पेस स्पेस इक्वल इक्वल्स टू groom dot carriage i position, मतलब हम i को iterate करेंगे, i को iterate करेंगे, और यहाँ पे i plus plus, ठीक है? तो ये अगर है तो क्या करना है, R और R अगर मैच हो गया तो इन दोनों को दोनों R's को निकाल देना है स्ट्रिंग में से। तो सीधा जाओ गूगल पे और फाइंड आउट करना है रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग, ये मिल गया। तो ये फंक्शन डायरेक्टली सीधा यहाँ पे यूज कर लो, तो ये क्या करेगा आपको रिप्लेस कर देगा। कपिल एम आई ऑडिबल? ग्रूम का कैरेक्टर रिप्लेस करना है जो भी है वो, और आपको अगर मैच होते हैं तो इन दोनों की पेयर बन गई, ये दोनों को बाहर कर दिया, तो फिर हम काउंट करेंगे कि कितने हैं इंटीजर
काउंट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे हम काउंट करेंगे और वन मोर आई जस्ट रीड वन मोर कंडीशन हियर कि अगर कुछ मिलता ही नहीं है, इफ मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट रीचेस द एंड ऑफ द बैचलर क्यू देन स्वयंवर इज ओवर नोबडी गेट मैरिड. ओके, तो इसका मतलब अगर ये फॉर लूप पूरा चला गया और कुछ नहीं मिला तो फिर जितना काउंट है उतना ही प्रिंट करो और खत्म करो. तो फिर आई थिंक बूलियन फ्लैग लगा सकते हैं फॉल्स, और व्हाइल लूप में अगर मिलता है, अगर ग्रुम मिलता है तो ही फ्लैग को यस करना है इक्वल्स टू ट्रू, और अगर ट्रू है तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली सीधा बाहर. इफ फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू फॉल्स, हाँ ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं नॉट फॉल्स ऐसे. ठीक है, फ्लैग इक्वल्स इक्वल्स टू फॉल्स देन ब्रेक. ब्रेक मतलब व्हाइल लूप से डायरेक्टली सीधा ब्रेक जाना है. ठीक है, ये नहीं यहाँ पे ये फ्लैग लगाया और यहाँ पे फ्लैग ट्रू होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली सीधा बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स चेक. हाँ प्रिंट करते हैं, यस आउट काउंट, रन करो. मैं आपको बताऊंगा कि डिबग कैसे करना है, डिबग क्या होता है आपको बताऊंगा. तो फिर ये मोर बेनिफिशियल होगा आपके लिए. फोर ओके, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. क्वेश्चन ओके, इफ आई एम करेक्ट एनीवन कैन करेक्ट मी इन चैट इफ आई एम मिसिंग समथिंग. ओके डायरेक्टली डीबग कर सकते हैं कि कैसे करना है, मतलब होता क्या है एक्चुअली. और हाँ ये डिबग पॉइंट लगा दिए और आपको हाँ तो यहाँ पे आ गए. तो ये सर आपको बता देगा कि इसने वैल्यू क्या ली है, ग्रुप में वैल्यू क्या है, फिर आप स्टेप ओवर करके लिख सकते हैं कि क्या है. मतलब ये अगर आपको प्रैक्टिस हो गई कि डिबग कैसे करना है तो बेटरली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो then groom is not
तो यहाँ पे ग्रूम और ब्राइड का कैरेक्टर क्या है, पहला आर और यम, तो ये मैच नहीं होगा। दूसरे में आर और यम, सॉरी आर और आर है, तो ये रिमूव कर दिए। ओके, रिमूव हुए नहीं, इसका मतलब हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो हमने कैच नहीं किए। तो फिर से डिबग करो, यहाँ पे पहला तो लिया नहीं, दूसरे में है आर और यम, मतलब ऐसा। आप यहाँ पे वॉच भी कर सकते हैं, ब्राइट डॉट कैरेट जीरो क्या है, आर और ग्रूम एंड डॉट कैरेट आई, तो ये क्या है आर, आर और आर 114 आस्की वैल्यू है, तो ये बीच में चला गया और फिर इसने रिमूव कर दिया। ओके, मतलब पहले जो आर यम यम तो उसमें से पहला निकल दिया और रिटर्न कर दिया, तो यहाँ से यम आर है तो यम यम आर, तो इस बीच का आर रिमूव कर दिया इस फंक्शन ने जो हमने गूगल से कॉपी किया था। तो गूगल से कोड कैसे कॉपी करना है वो भी एक बेस्ट प्रैक्टिस करके रखना, लाइक ट्रू है। तो सेकेंड लूप, अब यहाँ पे आर और यम है तो मैच नहीं हो गए, इसका मतलब दो लूप्स तक मैच नहीं होंगे और तीसरा लूप में मैच होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रूम है यम यम आर, यहाँ पे देख सकते हैं यम यम आर, ग्रूम है यम यम आर और ब्राइड है आर यम यम, मतलब आर रिमूव होगा और सिर्फ यम यम बचेगा, और ग्रूम से आर रिमूव होगा और यम यम बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे यम और यम मैच अगर होते हैं मतलब एलिजिबल है तो रिमूव कर दिया। नेक्स्ट में एक ही कैरेक्टर था तो वो तो होना ही था, देख। अब यहाँ पे ग्रूम जीरो है, ब्राइड भी जीरो है, तो उसकी वैल्यू मतलब लेंथ जीरो आ गई, तो इसने काउंट कर दिए फोर, तो आपको आउटपुट मिल गया फोर, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा फोर, लेकिन आउटपुट क्या है जीरो। आउटपुट द सिंगल इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ पेयर्स लेफ्ट अनमैच, तो n माइनस काउंट। उनकी सेकेंड टेस्ट है फोर एंड आर एम एम, आई मीन एक स्ट्रिंग है, तो हम फिर से रन करके देखेंगे। टू मतलब हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आउटपुट आना चाहिए था टू, तो हमारा भी आउटपुट आ गया। तो ये था लाइव मॉक वीटा का प्रॉब्लम जो मैंने अभी सॉल्व किया, और अपलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं फाइल, या फिर ऑनलाइन एडिटर पे जाओ। ये आपका प्रोग्राम हो गया, तो जो भी कमेंट्स है वो डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे कई बार क्या होता है कि पैकेज लिखा आता होता है, पैकेज ऐसा, और कुछ भी डॉट वगैरह ऐसा कुछ दिया होता है, तो अपलोड करते समय वो पैकेज नेम रिमूव करना है, और
और फिर ही आपको अपलोड कराना है, अगर नहीं किया तो आपको एरर भी आ सकता है। ठीक है, ऑनलाइन एडिटर यहाँ पे ये हो गया। एडिटर कौन सा यूज करें, जावा। प्रोग्राम नेम ये देना है सॉल्यूशन वन, ठीक है, मतलब जिस नाम से अगर आपने क्लास बनाया है उसी नाम का प्रोग्राम नेम देना है और सेव कर सकते हैं हर बार, एंड देन कंपाइल एंड रन। तो ये यहाँ पे ही कंपाइल करेगा और आपको रिजल्ट बता देगा, ओके योर प्रोग्राम हैज कंपाइल सक्सेसफुली एंड रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर क्या है, रन टाइम ये भी हो सकती है कि इनपुट जो दिया है वो आपने बराबर नहीं लिया। थर्ड लाइन कंटेंट स्ट्रिंग लोअर केस ऑफ इंटीजर कैन ग्रोन, ओके हाँ मतलब फर्स्ट लाइन में सिर्फ ब्राइट सी आएंगे और नेक्स्ट लाइन में ग्रूम्स आएंगे। ठीक है, ओके एंड देन Java and then compile and run. Okay, presentation error. तो presentation error होता क्या है कि जो आप output बताते हैं वो वैसा होता नहीं है। आप क्या बोलते हैं कि मेरा 2 output तो बराबर आ रहा है लेकिन उनको क्या चाहिए, सिर्फ 2। और ये आप जब प्रिंट करते हैं जावा में तो कभी कभी यल यन लगाते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन, तो 2 के साथ हम स्लैश यन भी प्रिंट करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम ये रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। सेव कंपाइल एंड रन, देन आई थिंक हो जाना चाहिए एक्सेप्टेड। ओके, योर प्रोग्राम हैज कंपाइल सक्सेसफुली एंड यहाँ पे स्टेटस पे एक्सेप्टेड आना चाहिए। हम अगर सबमिट करते हैं इस कोड को तो ये सबमिशन के लिए चला जाएगा, सबमिशन अगेंस्ट प्राइवेट पास्कल सक्सेसफुल। और यहाँ पे आ गया प्रेजेंटेशन एरर, तो ये अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब आप कोडविटा का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है प्रेजेंटेशन एरर, तो यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली आना चाहिए। ओके, इसका मतलब अभी भी कुछ है जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिक सबमिशन यहाँ पे आपको बता देगा कि ग्रेट वर्क, यू आर हैव डन योर कोड हैज पास्ड पब्लिक टेस्ट केस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आपने पब्लिक टेस्ट केसेस जो भी रन किए थे, पहला वाला रन टाइम था, दूसरा वाला प्रेजेंटेशन एरर, फिर तीसरा वाला एक्सेप्टेड में गया था, तो प्राइवेट में आपने अभी तक जो जो किया है तो वो सारा दिखाई देगा, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके, तो प्रेजेंटेशन एरर मतलब अगर प्राइवेट टेस्ट केस आपने अगर सॉल्व कर दिए, सॉरी हाँ पब्लिक टेस्ट केस एक्सेप्टेड, तो मान लीजिए कि आपका हाफ डन हो गया, बस कुछ प्रेजेंटेशन एरर बाकी है जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ प्रेजेंटेशन एरर आ रहे हैं, मतलब आपका आउटपुट सही है लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा गलत होगा, तो इसकी वजह से आता है
देन आई थिंक ये भी सॉल्व कर सकते, तो टाइम तो नहीं है इसलिए हम, मैं ये कोड शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है कपिल यात्रा लोग। इज इट ओके? और टेल मी डू आई हैव टू ऐड समथिंग हियर? नहीं तूने तो सब कर कर दिया भाई। अगर अगर इतना हो देखो, गया विदिन आई थिंक हाफ आवर राइट 45 मिनट्स एक पूरा कोड वीटा का कोड कंप्लीट कर दिया त्रैलोक के नाथ ने। इट मींस ही इज क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड, मींस यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू इन टीसीएस। एक क्वेश्चन, हाँ सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने से टीसीएस में जॉब लग सकती है। अगर थर्ड ईयर में है वो आप, तो फिर इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है टीसीएस आपको, ठीक है? तो टीसीएस की इंटर्नशिप मिलना भी बहुत बड़ी बात है। अपॉर्चुनिटी कैसी है देखो, हाँ आज सपोज 1 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया कोड वीटा के लिए, और उसमें से सीरियसली लेने वाले बच्चे, हमें भी पता है कितने लोग सीरियसली लेते हैं, 150 बच्चे हैं कॉलेज में, तो उसमें से 10 या 15 बच्चे सीरियसली लेते हैं, दैट इज रियलिटी, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई एक कर लेता है चेक आउट ना एवरेज, 1 लाख में से इतने इतने बच्चों ने सीरियसली लिया, तो उन्होंने कोड सबमिट किया है, वो कोड सबमिट में भी इवैल्यूएशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड कोड देखा जाता है, उसके हिसाब से रैंकिंग्स आती है, रैंकिंग्स के हिसाब से आप लोग सिलेक्ट होते हो। सो अगर एक या दो क्वेश्चन एक हो तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, अगर दो क्वेश्चन है तो बेटर है। अगर आप 6 या 7-8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, नॉट अ बिग डील राइट, 1 या 2 आवर्स आप लोग बैठ सकते हो कोड करने के लिए। लेकिन आज विदाउट एप्टी, विदाउट एनीथिंग, वो जो राउंड होते हैं, मीन्स टेक्निकल राउंड तो होता ही है, बट विदाउट एप्टीट्यूड और टीसीएस का, उसको क्वालिफाई करके आप सीधा टीसीएस में एंट्री कर सकते हो। What is mean by presentation error? कहीं पे स्पेस मिसिंग है, या फिर एक एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है तुम्हारे, तुमसे स्पेस बार दबा के गलती से, जो कोड में नोटिस नहीं किया जा सकता, या फिर जैसे कि त्रैलोक के नाथ ने बताया प्रिंट एलएन मतलब वो प्रिंट तो करेगा लेकिन न्यू लाइन पे कैरेक्टर चला जाएगा, लेकिन उनको न्यू लाइन नहीं चाहिए, हम लोगों को उनके अकॉर्डिंग हमारा कोड बनाना है। So that is presentation error. अगर ऐसा आता है तो चेक करो कहीं पे तुम एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हो क्या। अगर तुम लोग आउटपुट या इनपुट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो कॉपी पेस्ट करते वक्त इनपुट को कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस रह जा रही है क्या, या फिर कहीं पे ट्रिम लगाना है नहीं लगाना है, दैट इज विदाउट न्यू लाइन इन पाइथन ऑल्सो गेटिंग प्रेजेंटेशन एरर। सी में स्लैश एन स्लैश टी ये अगर यूज करते हैं तो भी एरर आता है। अगर ये एक्सेप्टेड का स्टेटस जो भी है वो अगर आपका प्राइवेट टेस्ट के सबमिशन में आ गया, तो मान लीजिए कि 90% टीसीएस में जॉब ले ली, 80-90% टीसीएस में जॉब ले ली, और 100% आपको टीसीएस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन पाइथन। जगदीश आई गॉट दिस सिंपल not input, but it is related to the output. Only output. अगर आप जैसे कि यहाँ पे मैंने स्लैश एन बट निकाल के आपको प्रिंट करके दिखाया, कई बार क्या होता है कि कभी am I audible? You're audible. तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं कि ब्राइड इज, एंड देन यहाँ पे हम ब्राइड प्रिंट कर देते हैं, तो ये अगर वहाँ पे चला गया यहाँ पे सबमिट करने के लिए, तो अलग ही आउटपुट उनको मिलता है, तो प्रेजेंटेशन एरर। प्रेजेंटेशन एरर मतलब ये नहीं कि आपका कोड सही है
और ये भी नहीं कि आपका कोड गलत है, ये सिर्फ ये बताता है कि उनको जो भी चाहिए, जैसे कि उन्होंने बताया था कि हमें इंटीजर नंबर चाहिए, ठीक है, तो इंटीजर ही देना है। अगर आप जीरो स्पेस जीरो ऐसा भी अगर दे दिया तो भी नहीं चलेगा, जीरो जीरो स्पेस बस इतना दे दिया तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ जीरो इंटीजर चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये एक्सपेक्टेड है उनको। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दे तो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के वक्त एक प्लेटफॉर्म दिया था हम लोगों को कोडिंग के लिए, सो उसमें हमें कुछ टेस्ट केसेस सॉल्व करके देने थे। जब हम वो कर रहे थे तो लिटरली एक स्पेस माइनर स्पेस बार अगर गलती से दब गया हो फिर भी वो एरर देता था प्रोग्राम, सबमिट नहीं होता था, बच्चे असेसमेंट फेल हो जाते थे। सो उनके हिसाब से ही एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लोगों को डिजाइन करना है बार बार डिबग करके। और कुछ क्वेश्चंस? हाउ टू ओवरकम रन टाइम एरर। हाउ टू ओवरकम रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब जैसे कि ये आए एरर, रन टाइम एरर ये आई थी कि इनफाइनाइट लूप में चला गया था। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि इंटेलिजे यूज करते हो या फिर इंटेलिजे आईडिया यूज करते हो या फिर इक्लिप्स यूज करते हो, नेटबीन्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे डिबग का ऑप्शन आता है। डिबग, डिबग मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जो आपको समझा देगा कि क्या कर रहे हैं आप। तो इस लाइन तक आने के बाद आपको आउटपुट क्या रहेगा, फिर अगली लाइन आने के बाद आपका आउटपुट कैसे चेंज होगा, और फिर अचानक से आपको आउटपुट अलग ही दिखाई देता है या फिर एरर देता है, तो वहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एरर आ गई है, तो वो रन टाइम एरर रहता है। रन टाइम एरर एक्चुअली होता ये है कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब वो एरर आता है, जैसे कि 1/0 ऐसा अगर आपने कभी कर दिया तो रन टाइम एरर, कैन नॉट नंबर नॉट डिवाइडेड बाय जीरो वगैरह ऐसा कुछ तो एरर आता है, ठीक है। हम लोग उसको एक लॉजिकल एरर बोल सकते हैं, राइट त्रिलोकनाथ? हाँ लॉजिकल, हाँ लॉजिकल एरर भी बोल सकते हैं। सोर्सेस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। अगर मेरे को मुझे पूछा कि कौन से सोर्सेस है पाइथन या फिर एनीथिंग, तो मैं बोलूंगा गूगल इज इटसेल्फ द सोर्स। गूगल पे जाओ, कुछ भी पेस्ट करो, जो वेबसाइट पे तुम्हें मिला अच्छा नॉलेज है, टेक इट, दैट इज योर सोर्स। ऐसा कोई स्पेसिफिक लिंक या फिर वेबसाइट में तो नहीं बता सकता, मैं भी त्रिलोक के नाथ को पता हो। कुछ नहीं, कोडविटा प्रॉब्लम्स गूगल पे डालो तो फिर आपको बहुत सारे कोडविटा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली गिटहब। जनरल प्रिपरेशन भी करना है तो कोई भी वेबसाइट से तुम लोगों, तुम्हारा प्रॉफिट एज योर सोर्स। तो ये सारे कोडविटा प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कुछ लोगों ने यहाँ पे अपलोड किए होते हैं। ओके सर, यस, तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम्स उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस ये सारे अपलोड किए होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये वाला मेरा नाम सर्च करके एक कोडविटा का अपलोड किया है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, वो भी रेफर कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी दिए हैं और उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस भी दिए हैं। यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन चैट। हाँ, आप क्वेश्चंस कर सकते हो अगर कुछ हो तो। वैसे भी अभी आप सोच रहे होंगे कि त्रिलोक के नाते डेवलपर है, उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसीलिए इसका जावा परफेक्ट है और उसने कोड लिख दिया,
ये मैं भी सोचता था एक टाइम में जब मैं आपके जगह बैठा था कभी एक दो साल पहले शायद. हाँ. बट जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं आने वाला, या फिर कुछ आइडिया ही नहीं आने वाले कि करना क्या है. कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, और वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास एक मस्त ट्रिक है, उसका पहले इनपुट और आउटपुट देखो. आपको तो समझ आ ही जाएगा कि करना क्या है, लॉजिक क्या यूज करना है, नॉर्मल थिंग्स. 1-2% भी समझ गया आप कोड लिख सकते हो, लेकिन आप इनपुट आउटपुट के हिसाब से कोड लिखोगे और आपका पहला एक्सपेक्टेशंस मैच हो गया, चाहे दूसरे टेस्ट केसेस फेल हो, अगर पहले टेस्ट केस फेल होते हो तो आप ऑटोमेटिकली वो इश्यू रिजॉल्व करके दूसरा टेस्ट केस भी पास कर लेते हो. सो बेटर गो विथ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो या फिर टेस्ट केसेस क्या दिया है या फिर इनपुट आउटपुट क्या लेने बोला है आपके हिसाब से. और मैंने आपको तो पहले भी बोला था कि आप 15 मिनट लो, 20 मिनट लो, सिर्फ प्रॉब्लम आसान कौन सा है वो फाइंड आउट कर लो और बस उसी के ऊपर फोकस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अभी के लिए कोड विटा का ड्यूरेशन क्या है पता नहीं, हमारे वक्त 6 आवर्स था, राइट त्रिलोकनाथ? हाँ, अभी भी 6 आ रही है. हाँ, अभी भी 6 है. तो 6 आवर्स में पहला 1 आवर अगर तुम लोग वेस्ट कर लेते हो. हाँ, थैंक्स देवनी. अगर पहला 1 आवर तुम लोग इन्वेस्ट करते हो कि कौन सा कोड करना है, इजिएस्ट चूज करो ना, व्हाई टू गो इन डिफिकल्ट. अगर तुम्हें इजी कोड सॉल्व करके जाना है आगे तो यू कैन चूज दैट. तो रिमेनिंग 5 आवर्स में आई थिंक तुम 2 कोड तो कैसे भी डेवलप कर ही लोगे. अगर 1 करने का है तो 2 कर ही सकते हो, अगर वो भी नहीं करना है तो फिर नो वन कैन हेल्प. हाँ, एक भी अगर कर लिया तो भी बहुत है. अभी तो एक सेकंड क्वेश्चन है, एक सफिशिएंट है बट इफ यू गो विद 2 or more देन इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू फेस द इंटरव्यू. सिर्फ 1 से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, कल जाके कंपटीशन बढ़ गया और 1 कोड सॉल्व करके भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो तुम लोग हमें पूछने आने वाले हो, आपने बताया था 1 भी किया तो हो जाएगा? नो, इट डिपेंड्स अपॉन कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोग वो प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं. समझ गए? हाँ, यू कैन यूज सी लैंग्वेज. या ओके, थैंक्स. यू कैन यूज सी लैंग्वेज फॉर द कोड विटा. अभी आपके कुछ क्वेश्चन सर ने स्टार्टिंग में ही रिवील कर दिए थे, जैसे कि कोडविटा में एक ही प्रॉब्लम कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है और उसके बाद अगर एक किसी ने एक कोड डेवलप किया है तो वो 4 लोग कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने एक कोड डेवलप किया है, तुम्हें वही कोड डेवलप करना है, दूसरा बनाना नहीं है, जान पे आ रही होगी, इट्स ऑल योर चॉइस. दोस्त पे डिपेंड करता है कि वो उसका कोड देना चाहता है या नहीं. वही कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू नो, और ये कोड कोई मैनुअल चेक नहीं करता, एवरीथिंग इज गोइंग बिहाइंड, मींस एवरीथिंग इज गोइंग अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक ही पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हो तो इट विल कैच, तुम पकड़े जाओगे या फिर कुछ होगा तो नहीं, तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे या समथिंग, तुम्हारे रैंक कम आएगी या फिर इंटरव्यू के वक्त तुम्हें मतलब फेस करना पड़ेगा कि क्या है. हमने ट्राई नहीं किया इसलिए हम लोगों को ये रियलिटी पता नहीं है, बट डोंट ट्राई टू कॉपी द सेम कोड अगेन. अगर तुम्हें वही कोड वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में करना है तो ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने जावा में किया है, तुम सी में करो, किसी और को C++ में करने बोलो. सॉल्यूशंस लॉजिक थोड़ा सा डिफर होगा, प्रॉब्लम सेम रहेगा. एक सेकंड, दो लोगों को अगर कोड सेम आ गया तो फिर क्लास नेम चेंज कर दो, फंक्शन नेम चेंज कर दो, और फिर ये व्हाइल लूप लिया है तो do while कर दो या फिर for loop कर दो, and variable names change कर दो, तो मतलब पूरा उसका हुलिया ही बदल दिया और logic वही है तो भी चलेगा. लेकिन अगर यही code अगर आपने replace कर, मतलब दो लोगों ने अगर यही code अगर upload कर दिया तो दोनों के दोनों eliminate हो जाओगे. Just think like that, हम एक engineer है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों से डेवलप हुआ है, हमने बनाया है, एक रोबोट हमको कंट्रोल नहीं कर सकता,
जस्ट थिंक कि उसको कैसे बुद्ध बनाया जाए. रोहन से क्वेश्चन है, सपोज इफ यू यूज पाइथन फॉर एग्जाम और जावा देन द सेम लैंग्वेज टेक्निकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड और इट इज आस्क्ड डिपेंडिंग ऑन योर सीवी. इट्स ऑल ऑन योर सीवी ब्रदर. यस, तो मैं मे बी हार्डली वेरी रेयर केसेस है. अभी हम पांच गए थे तो मुझे ही क्वेश्चन किया था कि कोड में क्या किया है, क्योंकि मेरा कोड हार्डली 3 lines का था सी में. जो कोड त्रिलोक के नाथ ने शेयर कर जो कोड त्रिलोक के नाथ ने मोर देन 50 lines बनाया था वो सी में हमने सिर्फ 3 ही लाइन में बनाया. जस्ट 3 lines ये वाला सी ये वाला. सो उन्होंने क्वेश्चन किया क्या है. कपिल का है ये कोड, कोडविटा का. Is much optimized. क्या है? कुछ नहीं है. उन्होंने क्वेश्चन किया कि 3 lines में तुमने आउटपुट कैसे लिया. सिंपल आंसर, अगर तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैथमेटिकल हो तो वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, राइट? अगर आप पढ़ सकते हो देन इट इज आर स्क्वेर आर वन स्क्वेर प्लस आर टू स्क्वेर प्लस आर थ्री स्क्वेर ऐसा. हाँ, ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर का फॉर्मूला, राइट? ए माइनस बी होल स्क्वेर. तो ये सारा फॉर्मूला तो गूगल पे तो फाइंड आउट गूगल पे. हमने क्या किया, गूगल पे गए, फॉर्मूला देखा. अगर एंगल साइड्स दिए हैं तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला मिला, वही फॉर्मूला हमने सी में पेस्ट कर दिया. सी के फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखा, इनपुट्स ले लिए, आंसर मिल गया विद इन 3 lines. इजंट इज ऑप्टिमाइज्ड. मेरा रैंक पूरे इंडिया में 2200 था और वही को त्रिलोक के नाथ ने पहले बनाया था जावा में मेरे से. उसका रैंक समथिंग 4700 था. ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करेगा अगर आप करना चाहते हो. हाँ, अगर अगर आप कुछ कई टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर अगर आता है तो ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम आता नहीं है, जो कि जावा में ज्यादा आता है. पाइथन में भी कम आता है लेकिन जावा और बाकी लैंग्वेजेस में ज्यादा आता है. An answer to your question, Rohan. So everything is based on your CV. What you are writing in your resume, that will be asked in the interview, definitely. Nothing else. अगर तुम लोगों ने ही कोड डेवलप किया है, so let them ask the question. You can answer. Any more questions? Regarding jobs, industry, something. Yeah. किसी को कोई question है? Problem statement कैसे पढ़ा था, solve कैसे कर लिया इतने कम time में? Anything? From Poonam. Okay. TCS code Vita web page compilers editors download करना compulsory है क्या? नहीं नहीं नहीं. तुम्हारे पास normal compilers है, turbo C है, C का code compile कर दो, फिर उसके बाद वहां जाके paste करो, फिर check करो कि presentation error आ रहा है, runtime error आ रहा है, कुछ आ रहा क्या आ रहा है. अगर तुम्हारे पास Eclipse है, so no need to download any compiler. सीधा Eclipse पे जाओ, रन करो, जावा कंपाइल करो और फिर जाके तुम्हारे कोडविटा के कंपाइलर एडिटर में पेस्ट कर दो. बस आपको ये देखना है कि जावा का कंपाइलर के लिए स्पाइडर एनाकोंडा है या राइट. एनाकोंडा मैंने यूज किया था तो भी. हाँ, लेकिन लेकिन वो पाइथन 3 ही यूज करना चाहिए. या यू कैन यूज ऑनलाइन एडिटर. बस एडिटर इसीलिए है कि तुम्हारा कोड कंपाइल हुआ या नहीं, जस्ट टू क्रॉस चेक. अगर तुम कोड लिखोगे विदाउट एनी एरर्स, रिमूविंग एरर्स, विदाउट डीबगिंग, अगर आप कॉपी करके सीधा वहां पेस्ट कर रहे हो तो यू विल गेट लॉट ऑफ एरर्स. सो इट्स बेटर टू कंपाइल एट योर ओन फर्स्ट, रिजॉल्व दैट वन, डीबग दैट द कोड, मेक इट ऑप्टिमाइज एंड देन गो टू कोडविटा एंड देन पेस्ट इट देयर. बेटर यही होगा कि ऑफलाइन अगर एडिटर यूज किए, जैसे कि इक्लिप्स होगा या फिर ये सा इंटेलिजेंट, तो फिर आई मीन या यू कैन यूज ऑनलाइन कंपाइलर एज वेल. नो नीड, इफ यू हैव ऑलरेडी कंपाइलर्स और एडिटर्स इन योर लैपटॉप यू कैन डू इट.
or else you can use online compiler. Unless and until you copied and paste the code into TCS CodeVita's compiler, TCS CodeVita will not going to do anything with you wherever you compile the code. Can we switch tabs during real contest exam? Sure, definitely you can. It is not proctored assessment or it is not kind of aptitude. You can switch the tabs. See, while submitting to the mock test, there was one tick box at the last. I don't know whether you guys noticed it or not, but it was written there whether you took the support from online. There yes. one yeah. tick box was there. Yeah. You can take support. These codes cannot be resolved at your own. You have to take help. Anyways, all the developers in the IT industry are taking helps from GitHub or something. लेकिन अगर सिंपल हेल्प अगर ली है तो कुछ टिक करना ही नहीं है. बेटर होगा कि टिक करो ही मत. बेटर है कि टिक करो ही ना. आईटी में सारे डेवलपर्स गूगल यूज करते हैं. डोंट फॉरगेट. दैट्स रियलिटी. बस आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज द कोड. Each and every code is reusable. तुम्हारे जेनरिक वे में लिखने वाले बहुत से कोड मिलेंगे. उसको स्पेसिफिक वे में बनाने के लिए जो नॉलेज है, that is the knowledge of developer. Any more questions? अरे यार, come on, तुम्हारे जगह में तो तुम बहुत questions पूछता. What is the difference in public and private test cases? Okay, Pratik. Jo test cases hum logo ko waha diye hai unhone. Trilokinath, can you open anything? Any one yes. of the code? Yes. Yeah. Yahan pe ye jo test cases diya hai explanation mein. Example 1 is your first test case. Example 2 your second test case. Jo publicly available hai, that is all. Jo hum dekh ke solve kar sakte hai. प्राइवेट टेस्ट केस मीन्स उनका इंटरनली डिफाइंड एक टेस्ट केस होता है, दो या तीन, वो हमें पता नहीं होता. ब्लाइंडली वी हैव टू रन आवर कोड. अगर वो टेस्ट केसेस मैच करते हैं सक्सेसफुली, सो योर कोड इज गुड. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैन हेल्प. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैन हेल्प. जैसे कि हैकर रैंक वगैरह, हैकर अर्थ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. जिन्होंने क्वेश्चंस किए मैं सबको थैंक्स करने वाला हूँ लास्ट में. फ्रॉम इंडिया पीसी, हाउ वी बिल्ड अ इंप्लीमेंट लॉजिक ऑफ एनी प्रोग्राम और ड्रॉ रन एनी प्रोग्राम. Can you elaborate? Are you getting? We are not getting. India PC. Can you elaborate it, please? Okay. Sir, how we build a logic for any program means how we decision making, use while loop, for loop in program. Okay. By using practice, I think. If you practice. Simple more, question. Unless and until you start, you will face the issues. Yes. Once you start, I think you itself will get the solution. Shuru kar Mitra, bas. Do you have any idea about Netcracker or Cognizant? Campus placement for this. Do you have any idea about Netcracker or Cognizant campus placement for this batch? Not of the next year, but currently this year Cognizant is hiring near about I think 28,000 freshers
For next year also, Cognizant will hire near about that only, 28 to 30. Definitely, definitely. And they will hire you guys. Yes, and about the Netcracker. Netcracker only hire few employees. I mean, only hire few freshers each year. Just like in our batch, they hire only 25 freshers. And then for the next year, I think they have hire only 10 to 15 freshers. And it's depend on Netcracker from which campus. Mm, they can change their requirements anytime, midnight also. Yes. Anyways, any more questions? See, future of the IT is work from home only. Big giants, you know, right? TCS, Cognizant, Accenture, Persistent. Those are big giants in IT industry right now. So their future is work from home only. Don't they have any competition exam like CodeVita? I don't think so. Cognizant don't have. I think Accenture has that one. Jockey. Accenture Jockey. Competitive exam, just like CodeVita only. No, Cognizant is not conducting any kind of this exam. You can apply Cognizant through off-campus, on-campus also. My selection is through on-campus. Chetan. I got selected through on-campus only. Whether it's in referral type, but still we are from on-campus. Yeah. Campus was involved. Yes. CodeVita asked problem related data structure. No, it depends upon the problem statement. See, what problem I solved, that is a totally mathematical problem. Just from deriving one formula, I got the solution. Same, some problems required queues or something like that. And anyways, everything there's data. Without data structure, no code can be developed. You can use tables and anything. And if you are talking about the technical interview, then definitely they will ask you for the data structure problems. Means if you're thinking like Cognizant will ask problems on DLLs or something like that. So please don't think in any solution you can develop. Any problem, you can develop solution at your own. It's not compulsory that you should do data structure, but knowledge should required whenever they will ask in the interview, do you know double linked list? You should answer that properly. Any other off-campus companies, please refer us something about that. See, there's nothing like on-campus, off-campus, full drive. Wherever you will get opportunity, go with it. For interview call, is it required round two clear or only round one? No, round one is enough for the interview. Yes. First round of this. Yeah. And if you are going to round two, higher package will be provided to you. Yeah. Means not actually. If you clear round two and then the interview, you will get higher package. If you are clearing round one and you got selected, and if you are again clearing round two, after selection, then you will get higher package. How did you prepare yourself for CodeVita? Like by practicing last year question or what? No, sorry. We didn't prepare for CodeVita. CodeVita is not a university exam. Simply, I can say. The problem statement you will get, face it. The example I can give you, no one is prepared here for Corona, right? We face the problem, we prepared, we developed the solution, and we are leaving. Just like that. Is there hidden time limit for each questions? No. How hidden? No, sorry. No, Harshali. What is the overall process of the rounds for Netcracker and Cognizant? Each and every company will have same rounds. Yes. Aptitude, technical, HR. Yes. But Netcracker has one more round that is known as managerial round. Aptitude, technical, managerial, and HR. HR. Four rounds.
when you completed one programming language, after that, what your strategy to crack code Vita and what duration time you did? Sorry, Kapil, can you please? We didn't get your question actually. When you completed one programming language. Achha, after writing code from one programming language, what was our strategy? Is it? Yes, okay. See, once we wrote any problem solution in one programming language, strategy nothing, right? What we did in the first code, same, do it there. If we declare variables over there, declare variables in other language as well. But the approach will be kind of different. If you write the same code, but in different language, it is accepted, no worries. But your approach should be more optimized. If we submit one code successfully in Code Vita, then we appear for interview or they will check time taken by our code. No, no, no. If you are qualified in the first round, don't think that one code is sufficient. I don't know what is the competition right now. Okay. In that time, only 5 of us wrote the code and 5 of us got qualified for the interview. I don't know from this batch or from this year, how many people got qualified. Okay. So if you got qualified, then you will appear for interview. That's final. Time taken will not matter. Only the rankings matters at all. Rankings also doesn't matter actually, but they will give you rankings. On that rank, based on that rankings only, you guys will get qualified. And definitely for providing the ranks, they will see your time taken by the code and all things. How many test cases you solved, whether your code is compiled or not compiled, which error is there, still presentation is there or not, presentation error is there or not, something like that. That means there is no group discussion round, right, for these companies. It depends on the company's criteria, whether you guys want to go for group discussion or not. It depends on each company's criteria differently. Is it compulsory to all 3 rounds? Yeah. Yes. After clearing 3 rounds only, you are welcomed in the company, right? Shruti More. Can you please share your experience about Cognizant interview? It's a long experience. I can't share here right now. But whatever I'm telling you, sir, whatever you are preparing, any language, if you are belonging to CSE, computer science, so better prepare more languages than C and C++, means Java, Python and all. Machine learning is appreciated. Just master yourself in any of the technology. Whether your code development is good or not, that depends after you went to the industry. But for clearing industry, according to my experience, theoretical knowledge is more than sufficient. And normal problem implementations. If they ask you to implement something, just go ahead and write the code. Simple. The level of your confidence will show whether you want to go to industry or not. How many days you wait for the results? Not much, bro. Just 1 or 2 months. Not 2 months. Only, I think, 1 month or less than that. Do we get to see our rank after results? Do they provide us results through MLS? Yeah. I think on their site only you will get, right? Rank. Hello? Yes. We will get rank on their site only, no? Not through email. No, not through email. Right. I think we just get the mails that Code Vita results are out. So you can go to the site and check your rank. How round 3 is conducted? Round 3 means what you need to say, Patrick. Yes, Kapil. I think they doesn't provide the rank. No, they provide, right? Rank. Code Vita. Not sure. I know. They provide the rank for first round. Yeah, Pratik. How round 3 is conducted? What do you mean by round 3? HR or something else? I think he is talking about HR. HR. On site, they said it is conducted. Achha, Code Vita round 3. They are asking for Code Vita round 3. See, first round will be online. Second round, you have to go there.
their location for second round itself, right? Trelok, hello. Hello. Ah, yes. Hello. Hello. Am I audible? Am I audible? Yes, yes. It's my network problem. Round one is, yeah. Round one is online. Round two is also online, and round three is offline. Round. Yes, yes. Yeah. Right. Round three is offline. Yes. Yeah, it is offline only, Pratik. Okay, any more questions? Can anyone go on? Only anyone. Can yeah, any more questions? Oh. Okay, okay. I think. Okay, sir. Thank you, Trilokyanath and Kapil. You have given your time. Though all you are busy with your work from home, you have even meeting, you have arranged your meeting, and you have given your time for this kind of session. Really, your session will be helpful to our students. Actually, our students, all are your juniors. Yeah. So really, this session will be helpful to them. And I hope you will help your juniors time to time whenever required. Mm-hmm. Sure, sir. And students, again, I want to tell you on Sunday, I have scheduled another session who will be conducted by Jaideep Bari. So Trilokyanath and Jaideep, both students were selected in TCS through the Code Vita contest. So Jaideep also planning to conduct your hands-on training session. So he will choose Code Vita problem and he will explain how you will get the answer. Okay. So, and after his session, he will share many Code Vita questions and their answer with you. So on Sunday, but actually I will share this material to only the students, those who will attend this session. Okay. I will not share that material in your class group. I will ask you email ID and I will share all this material through email ID, to respective email ID only, those who will attend the session. So you should attend session on Sunday. That will be also very helpful to you. Computer students, submit your attendance through the chat box. Actually, in this session, ENTC, mechanicals, all students are attending this session, but specifically I want student computer department attendance. So share your first roll number underscore name. In this format, submit your attendance. And